सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये फर्स्ट ईयर के एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन और फाइनल ईयर का रिजल्ट दो के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। फर्स्ट ईयर के लिए इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और बहुत दिन उनके पास नहीं है, मात्र एक दिन बचा है 10 तारीख का, और अभी तक जो फीस जमा हुई है या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है ना वो उत्साहवर्धक नहीं है। मैं अपनी कॉलेज की बात करूं, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की, तो मात्र 600 बच्चों ने फीस जमा कराई है, सीटें हैं 1800, दिन बचा है एक। बेटिंग वाले 400 बच्चे खुश हो सकते हैं क्योंकि यदि यही सीन रहा तो उनकी बेटिंग क्लियर होने के आसार बढ़ जाएंगे। अब इसमें चीज़ें इसलिए भी है कि आप लोग कई लोग BSTC का वेट कर रहे हो, कुछ लोग PTT की काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए आप लोगों को काउंसलिंग करवानी चाहिए। सिर्फ एक दिन बचा है आप लोगों के पास और इस पर्टिकुलर तिथि को आप लोगों को जो है मेरे हिसाब में इस पर्टिकुलर तिथि को आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके कल ही यानी 10 तारीख को ही फीस जमा करा देनी होगी। बिल्कुल भी वक्त नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से लगाने हैं, अभी बता दूंगा। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो सब्जेक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट कैसे देखें। आप लोग अपने कॉलेज में 16 तारीख के बाद एक बार ज़रूर जाएँ, 16 से 20 तारीख के बीच में आप लोग कॉलेज में ज़रूर जाएँ जिससे कि आपको सब्जेक्ट का पता लग पाए। उसके बाद आपको 5-7 दिन हर कॉलेज जो है सब्जेक्ट चेंज का अवसर देती है, इसके बाद वो चेंज नहीं हो पाते। कई बच्चों को ऐसी सब्जेक्ट मिल जाती है जो उनको नहीं पढ़ने होते लेकिन बावजूद इसके वो सब्जेक्ट अलॉट होने के कारण उनको 3 साल पढ़ना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट अलॉटमेंट के टाइम पर टाइम से कॉलेज जाएं, पता करें, और उसके बाद आपका जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनके कन्फर्मेशन का भी आपको पता उसी के माध्यम से लगेगा। इसके अलावा कोई और माध्यम आपका है नहीं जिसके माध्यम से कि इस चीज़ का पता जो है किसी को भी लग पाए। अब जो सीनियर बच्चे हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, देखिए, एक तो आपको इंटरनेट से जो है बधाई पत्र निकालना है, वेरिफिकेशन का प्रोफार्मा निकालना है, इसके अलावा आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंटआउट लेना है, उसके साथ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी है, इसके अलावा आपको TC और CC ओरिजिनल लगानी है। ये तो आपके वांछित डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि किसी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट पुराना है यानी 1 साल से पुराना है तो उसको एक डी प्रपत्र मिलता है, ई मित्र से उसको ले लें और उस प्रपत्र को आप लोगों को भर के देना है। OBC वाले बच्चों के लिए है ये और शायद EWS वाले बच्चों के लिए भी है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी ये है कि आपको कल ही फीस जमा करानी पड़ेगी, यानी डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने हैं और फीस भी कल ही जमा करानी है क्योंकि आखिरी तिथि कल ही है। तो कल का दिन थोड़ा सा हेडेक वाला हो सकता है बच्चों के लिए भी और हम जैसे शिक्षकों के लिए भी। मुझे जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा कि कोटा में मैं बतौर सहायक प्रोफेसर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। तो बेटा एक तो आप लोग अपने साथियों के साथ इस खबर को शेयर करना जिससे कि कोई बच्चा वंचित ना रहे, और जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनको परिणाम को लेकर के उनकी खबर यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने फाइनल ईयर के रिजल्ट्स जारी करना शुरू कर दिया है, कोटा विश्वविद्यालय ने भी जारी कर दिया है। तो आप लोगों का BA फाइनल ईयर का जो परिणाम है और BSc फाइनल ईयर का परिणाम है, संभवतया जो ये वीक चल रहा है इस वीक के आखिर तक आने के आसार है। 1-2 दिन में BSc का और उसके 3-4 दिन बाद में जो है BA का परिणाम संभवतः आ जाएगा। तो BA वाले बच्चे हड़बड़ाएं नहीं, आराम से वेट करें। ये दो खबर थी जिनको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। सब्जेक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया का ध्यान रखें और वेटिंग वाले बच्चे जो है ध्यान रखें कि उनका एडमिशन हुआ है या नहीं, वो लोग कॉलेज में आकर के 7 दिन के भीतर ज़रूर पता करें, within a 7 days, नहीं तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपकी सब्जेक्ट क्या है और न ही आपको उनको बदलने का अवसर मिल पाएगा। और आपको ऐसी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी जो एक बार मिलने के बाद कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये हमें नहीं पढ़नी थी बट पढ़नी पड़ रही है। मेरी बात से शायद आप सारे बच्चे सहमत होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बाकी वीडियोज़ की तरह यूजफुल लगेगा और यूजफुल रहेगा। ये पूरे राजस्थान की बात है,
राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में दाखिले की दौड़ जारी है और फीस जमा कराने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आखिरी दिन है 10 तारीख। ये डेट आगे खिसकेगी नहीं खिसकेगी ये भविष्य के गर्त में है और मैं चाहूँगा कि आप लोग बिना वेट किए इसका पालन करें और कल अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। भीड़ रहेगी, धैर्य रखें, खाना खा करके आएँ। खासतौर पर बड़ी कॉलेजों की कहानी यही है कि कल बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ेगी, चाहे JDB कॉलेज हो, चाहे बॉयज़ कॉलेज हो, चाहे गंगापुर करौली की जो PG कॉलेजेज हैं, करौली की, गंगापुर की, चाहे बूंदी की PG कॉलेजेज हो, झालावाड़ की PG कॉलेज हो, और राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ी कॉलेजेज हैं, बीकानेर की डूंगर कॉलेज हो, मीरा गर्ल्स कॉलेज हो, ये जो बड़ी कॉलेज हैं मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ, अजमेर का सावित्री गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान PG कॉलेज हो, तो जो बड़ी कॉलेजेज हैं वहाँ पे कल बहुत ज़्यादा भीड़ रहने के आसार हैं। आप लोग खाना वाना खा पी करके और ख़ुद को मजबूत मानसिकता के साथ लेकर के आएँ और आप सभी को शुभकामनाएँ। आपको आपका मनवांछित कॉलेज मिले, आपको मनवांछित सब्जेक्ट मिले, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आगामी जीवन है वो खुशियों से परिपूर्ण हो। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए गुड डे।